नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से पंडित राजगुरु शर्मा आपके सामने नई ऑडियो वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। लेकिन आज का टॉपिक है तुला राशि के जातक और जातिकाओं की लव लाइफ सितंबर मास 2019 में कैसी रहेगी। दोस्तों, इस बारे में हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि अभी तक किसी भाई बहन ने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। दोस्तों, तुला राशि के लिए लव लाइफ का जो महीना सितंबर मास 2019 कोई खास नहीं रहने वाला। आप तुला राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, यदि कहीं किसी लव पार्टनर से जुड़े हुए हैं और शादी या आपकी हो चुकी है और शादी के बाद भी यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं, या पति पत्नी में कोई झगड़ा भी चल रहा है या लव पार्टनर के बीच में कोई लपड़ा चल रहा है, तो ये सारी समस्याएं अभी ठीक नहीं होंगी, ये बिगड़ सकती हैं। इनके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, परिवार में कलह हो सकती है और आपसे सवाल भी किए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी लव लाइफ के बीच में अब तीसरा आदमी या तो परिवार का हो सकता है या कोई पड़ोस का हो सकता है या आपका खुद पति या आपकी खुद पत्नी, इस बात पर कलेश खड़ा कर सकती है। यदि कुंवारे हैं लड़के लड़कियां, आपस में लव चल रहा है, तो उनके परिवारों के बीच में या कोई तीसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको हानि पहुंचा सकती है, आपकी बदनामी कर सकती है, आपका झंडा निकाल सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हर चीज का समाधान होता है, हर किसी का समाधान होता है। वो कैसे होगा? यदि आप अपने लव पार्टनर के लिए किसी से लड़ना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए लड़ने का नहीं है, ये महीना आपके लिए बहुत ही बेकार है। यदि आपसे कोई चार बात कह रहा है तो सुन लीजिए, क्योंकि सुनने में ही आपकी भलाई होगी। क्रोध पर, वाणी पर संयम बनाकर रखें, यही आपका बदनामी से बचने का एक सरल रास्ता है। यदि पत्नी कलेश कर रही है तो आप चुपचाप सुनते रहिए, उसकी बात पर हाँ करते रहिए, उससे मना मत करिए, उससे बहस मत करिए। यदि आपके परिवार में या कोई बीच में कोई तीसरा आदमी आ रहा है, वो दिक्कत खड़ी कर रहा है, तो उसके मुंह मत लगिए, क्योंकि वो आपका झंडा निकाल सकता है, बदनामी कर सकता है। कुल मिलाकर लव लाइफ के मामले में तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए सितंबर मास अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं खुले शब्दों में भविष्यवाणी इसलिए करता हूँ क्योंकि अगला वाला सचेत हो जाए और सावधानी बरते। यदि मैं आपसे ये जो बता रहा हूं, यह आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरे शब्द आपको गोली की तरह लग रहे होंगे और तलवार की तरह आपके सीने पर चल रहे होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, जो कड़वे शब्द होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो हमेशा बुरे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको झूठे सपने दिखाऊं और आपको उल्टी सीधी भविष्यवाणी करके आप लोगों को किसी जंजाल में फंसा दूं। जो आपके साथ गुजरने वाला है उसके लिए मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं और आप लोगों को सचेत और सावधान कर रहा हूं। रही आपकी समझने की बात, आप मेरी बात पे विश्वास करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, आप मुझे लाइक अच्छी करें या ना करें, बुरी करें वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हमेशा ऑडियो वीडियो चलाने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, सिर्फ सत्यापित और सच्चे शब्दों में करता हूँ, ताकि मेरी भविष्यवाणी पे आज नहीं तो कल जरूर विश्वास होगा। दोस्तों, जब आपका महीना गुजर जाएगा, जब आपको मेरी बात पर जरूर विश्वास होगा, आप मुझे जरूर फिर बाद में एक लाइक एंड शेयर करेंगे और मेरी दूसरी ऑडियो वीडियो आने का इंतजार करोगे। मैं आपसे ज्यादा शब्दों में और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर मैंने आपको ये बयां कर दिया है कि आप सावधान रहें, क्रोध और वाणी पर संयम बनाकर रखें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं, लव लाइफ के मामले में आप थोड़ा सावधानी बरतें बस, यदि आप बदनामी से बचना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी को करता हूँ नमस्कार। जय हिंद।